वेलकम यूएस प्रोग्राम 180 डिग्री के साथ मैं हूं अहमद परवेज हमारे आज के मेहमान है लीडिंग लॉयर एन एक्टिविस्ट अ फिलोसोफर रजा आजम साहब आई उनसे बात करते हैं रजा साहब वेलकम टू द शो थैंक यू यू हैड अ वेरी सक्सेसफुल लीगल करियर पॉलिटिक्स में आपको वो सक्सेस क्यों नहीं मिल सकी क्योंकि आपने सर, आपने हिमायत नहीं की आपने कोई मदद नहीं की पॉलिटिक्स देखिए ना वकालत में तो मेरी मेहनत से काम चल जाएगा मतलब पॉलिटिक्स में आपकी मदद से के बगैर कैसे काम चलेगा पॉलिटिक्स में आप लोगों को कन्विंस ही नहीं कर पाए आप क्यों नहीं करवेंस तो कर मैं आपको कन्विंस इसलिए नहीं, 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 नहीं कर पाया कि या तो देखिए दो ही बातें हो सकती हैं लेट मी तो बी थ्योरेटिकल कि या तो मेरे दलील नाक़ हैं बैशत वकील के मुझे कोई दिक्कत नहीं मानने में कई बार मेरे दलाल नाकस होते हैं तो फिर मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप मेरे नकैश दलाल के कुछ निशान दे करें ताकि मैं आइंदा बेहतर दलाल दूँ या फिर ये है कि आप अपने 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 सोच में आप इतने आ, आ, रहे गिरफ्तार रहे कि आपने इतनी आज़ादी तो नहीं थी लीडरों का ही तो काम है कि सोच नहीं, के आजाद करना आप मिसाल देंगे लीडरों को रिटोरिकल लीडर आप किन लीडरों का मिसाल देंगे ये नारेबाजी की लीडर की इसको आप धोखे की लीडरी कहते हैं आंखों में धूल झोंकने की लीडरी कहते हैं या सच की लीडरी कहते हैं आपके सच में इतनी क्या ताकत नहीं थी कि लोगों को माइल कर सके अच्छा सच में ये फिल्मों में होती है ताकत वरना जिंदगी में तो सच की ताकत जो है सुनने वाले के दिलों में होती है कुरान शरीफ में है मोहम्मद साहब के लिए है कि भाई मोहम्मद तुम परेशान मत हो तुमको मैंने नबी बना के भेजा है तुम्हारा फर्ज है तुम्हारी जिम्मेदारी कि मेरा पैगाम उन तक पहुँचा दो और वो जो नहीं मानते वो मैं जानूँ और वो जाने तो पैगम्बरों के लिए तो ये नौज मिला तो मेरी क्या है भाई जबान में ताकत नहीं होती सुनने वाले के दिल में ताकत होती है नहीं बहुत देखिए आपने सिर्फ से आप, तो नहीं ताकत सर आपने अपना करियर शुरू किया कांग्रेस हाँ, में भी आप रहे कांग्रेस में कभी नहीं रहा ने पार्टी मैं स्ट्राइक करवाया अंग्रेजों के खिलाफ उसके बाद मुस्लिम लीग में भी रहे पीपल्स पार्टी में भी रहे पीपल्स पार्टी में एक दिन भी नहीं रहा एक दिन भी कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन का मेंबर जरूर रहा हूँ ऑफ द पीपल्स पार्टी ऑफ द वो भुट्टो साहब ने जबरदस्ती बनाया मेरा बारह सफे का नोट ऑफ डिसेंट मौजूद है ग्यारह लोग उसमें से मिनिस्टर हो गए थे सारे कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन के

फेबर 51 में मैं कम्युनिस्ट पार्टी छोड़कर चलाया क्यों इसलिए छोड़ कर चलाया चला कि वहाँ मैं देखा मैं तो कम्युनिस्ट जो यहाँ के वो मौलवी हो चुके हैं मार्क्सिज्म के मुल्ला बन चुके हैं तो क्या ये हमारा मुल्क इस्लाम की बुनियाद पर नहीं बना था नहीं हरगिज नहीं तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान मुसलमानों की खातिर बना था इस्लाम के लिए नहीं बना था मुसलमानों की बदहाली के लिए बना था हिंदुस्तान के मुसलमान अरब के मुसलमानों की बदहाली के लिए नहीं बना था मलेशिया के मुसलमानों की बदहाली के लिए नहीं पाकिस्तान बना था हिंदुस्तान में जो मुसलमानों की बदहाली थी उसके उनके उनके हालत को बेहतरी के लिए उनके हिसाब के लिए फ़र्क है मुसलमानों में एक जगह के एक वक्त के और इस्लाम में इस्लाम की ठेकेदारी मुस्लिम लीग ने कभी नहीं की थी बल्कि इसके बरक्स पोजीशन थी और जब आपने ठेकेदारी की तो उसमें तालिबान निकाले तो जो अभी की जो हमारी सियासी जमाते हैं इनमें से आप किसी को सपोर्ट करते हैं नहीं क्या वजह है उसकी आप देखिए तब्दीली तब तब्दीली तो इस प्रोसेस का हिस्सा ले बान के ही आप ला सकते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है सॉरी सॉरी कम अगेन तो इसका हिस्सा बन कर मतलब एक पार्टिसिपेट करके अब अगर आप कह रहे हैं किसी दुनिया तो इस चीज़ की तो आपको मिसालें बहुत आपके सामने हैं जो पाकिस्तान में ये फार्मूला ट्राई किया गया हो मिल करके हिस्सा बनने का नहीं बट आप, आ, ज़ी। 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 आप पार्टी को सपोर्ट कराउंड देखिए आप पहले एक आप कह रहे हैं कि किसी का हिस्सा बन करके वो कर सकते हैं तो आपके पास कितनी मिसालें हैं कि हमारे ऐसे लोगों ने आपके ऐसे लोगों ने किन किन के साथ मिल कर के कोशिश की हजारों लाखों ने मैं तो उन चंद में से हूँ जो किसी में भी नहीं शामिल हुआ कम्युनिस्ट पार्टी तो किसी गिनती शुमार में नहीं थी 48 से 52 तक 51 तक हो यू कैन इग्नोर बाकी तो <coughs> मैं किसी पार्टी में न रहा न लीडर रहा ना कभी इलेक्शन का टिकट मांगा ना इलेक्शन में खड़ा हुआ जेल जरूर जाता रहा वो वोट डालते रहे हमेशा नहीं कभी नहीं डाला तो आपके ख्याल में ये ये आपका कसूर मैं नहीं मैंने आपने है। कर, मैं ये डेमोक्रेसी है नहीं तमाशा बनाया हुआ आपने अभी आप डेमोक्रेसी तो पर फ्रॉड कर रहे हैं आप उल्लू अपना सीधा करें और करें डेमोक्रेसी अवाम के लिए करें तो कै, कैसे तब्दीली आएगी कैसे चेंज आएगी जब आपका दिल बदलेगा जब आपकी समझ बदलेगी जब आपको देखेंगे वो वोट के क्या आप ही? जो अपने लिए कर रहे हैं वो कौन से विश्व के बीच बो रहे हैं जब आपके आगे आपकी नस्लों की तबाही तो जो देखिए तारीख भरी पड़ी इससे कुरान शरीफ भरा हुआ है आप आँखें खोल करके देखें खुदा खौफी कर करके देखें माजी को देखें इंसान की कितनी वो ये हिमाक़तें कर चुका है जब भी वो अपने अपने इस ज़िंदगी की आर्सी शॉर्ट टर्म मफादात की खातिर अपनी रूह को अपने हिस्सों को धोखा देता है दगा देता है तो भाई वो तो बड़ा महंगा सौदा होता है ये ज़रूर है कि उसका बिल उसकी औलाद को पे करना पड़ता है जिल्लत में खारी में तबाही में वो जो सौदे आप करेंगे वो आपके आगे आएँगे मैं न, अख्तियार में सिर्फ मेरी जात की हद तक थी ने ने वोट लेकिन आप वोट नहीं कास्ट करते किसको वोट कास्ट कर रहे हैं? मैं तो आप आप, फिर कैसे आप से किस हकीम ने कहा कि वोट के जरिए आप बदलेंगे मुझे आप बताएं कितनी मरता वोट डाल चुके आप आप बताइए कि आपका वोट का रिकॉर्ड क्या है? आपके ख्याल में रिस्पांसिबिलिटी नहीं है फ्रॉड नो आई वोंट से फार्स एवरीबडी नो इट वो इन इट हूँ क्योंकि आपके छोटे छोटे एजेंडाज हैं जो टाइम पास हो जाए अच्छी तरह से वो ठीक है कभी आपने सोचा कि मैं लाहौर छोड़ करके क्यों नहीं जाने के लिए तैयार हूं कभी आपने पता किया कि मेरे लाहौर से बाहर जाने पर कोई मुश्किल कभी रही है गवर्नमेंटों ने चाहा कि मैं चला जाऊं इसी कमरे में जब मैं जेल में था तो मेरे घर में आकर के अमेरिकन काउंसिल ब्रिटिश काउंसिल फ्रेंच काउंसिल तीनों ने मेरी बीवी को चिट्ठी दी कि वी आर ऑफरिंग हिम सिटीजनशिप। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दो एडिटोरियल बाय नेम मेरे लिखे अमेरिकन बार एसोसिएशन ने नॉमिनेट किया अपना एक रिटायर्ड जज टू कम टू अटक अमेरिकन बार एसोसिएशन ने मुझे लिख के इन्विटेशन दिया कि आप यहाँ आकर के न्यूयॉर्क लोफा में या वॉशिंगटन डीसी में बी अ पार्टनर क्यों नहीं गया भाई इसलिए नहीं गया क्यों तो उनसे मैंने कहा मेरे सारे दुश्मन लाहौर में बैठे हुए मैं इनको छोड़कर कैसे जाऊँ यह जिंदगी का मेरे मेरा जो है वो ये है तो दोस्तों में तो खाली मैं सहूलत में रहूंगा जिहाद मेरे जो हैं वो सारे लाहौर में रखे हुए हैं तो मुझे अपना तो हासिल करना है यहाँ हासिल करना है